बोर्ड एग्ज़ाम में आए अगर घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन, तो आपको कौन सी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम टू जोसन आर्ट स्टूडियो स्टूडेंट्स, मैं आपकी आर्ट टीचर ज्योति मुकुल सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आज कल बोर्ड एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी आपको हिंट दे दिया जाता है और उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये पेंटिंग कौन सी है, और उसका आंसर आपको लिखना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं जिसके ऊपर आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँ। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स में जर्नीज एंड है, तो आप कैसे पहचानोगे कि जर्नीज एंड को बंगाल स्कूल की जी जर्नीज एंड है? तो उसमें अगर पूछा गया हो कि डोंट बी इनह्यूमन एंड क्रूअल टूवर्ड एनिमल्स, एनिमल्स के उसमें जो क्रूअल की तरफ से जो दिखाना, जैसे एनिमल वो मरने को जा रहा है लेकिन उस पर कोई भी दया नहीं है, दया भाव नहीं है, तो उसमें जर्नीज एंड आएगी। अगर उनसे पूछा, अगर वहाँ पूछा गया कि लॉयल्टी टू द मास्टर ये किस में शो किया गया है, तो आप जर्नीज एंड बोलोगे। और अगर यहाँ आ जाए कि इट इज़ द नीड दैट द मास्टर शुड बी केयरिंग एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपेंडेंट्स वेलबींग, तो भी आप जर्नीज एंड को ही कंसीडर करोगे, आप जर्नीज एंड ही वहाँ पर डिस्क्राइब करोगे। रासलीला आपकी पेंटिंग्स कट हो, पेंटिंग रासलीला एंड टेलर ऑफ सेल कट हो चुकी है। नेक्स्ट है आपकी राधिका। राधिका में अगर आप कैसे पहचानोगे कि राधिका, यहाँ पर हम अगर वहाँ पर पूछा जाए लव एंड कमिटमेंट किस पेंटिंग में शो किया गया है, तो आप वहाँ पर दो नाम लिखोगे, एक तो आप लिखोगे राधिका और एक आप लिखोगे मेघदूत। लव एंड कमिटमेंट, यहाँ पर लव एंड कमिटमेंट में आप एक शिव एंड सती को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो आप इन तीनों के नाम लिखोगे, लेकिन आपके ऊपर चॉइस होगी कि आप इसमें से किसको डिस्क्राइब करते हो, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक डिस्क्राइब कर दोगे। सॉरी ये कैमरा हिल रहा है क्योंकि आज मैं हाथ से पकड़ कर ही इसको फ़ोन को, आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा, कैमरा हिल रहा था बीच में। नेक्स्ट आएगी मॉडर्न ट्रेंड्स। मॉडर्न ट्रेंड्स में आपको क्या करना है, मॉडर्न ट्रेंड्स में रामा वेंकटेशम द प्राइड ऑफ ओशियन है, राजा रवि वर्मा। अब कैसे पहचानोगे इसको, इसको आप पहचान, तो आई होप आपको वीडियो आपको ये समझ में आ गया होगा। बंगाल की चार पेंटिंग्स हैं, अगर इसमें कोई भी बंगाल की चार पेंटिंग्स किसी टाइप से भी पूछी जाएंगी, तो आप इनके नेम जो है वो समझ में आ जाएंगे और आप उन्हीं पेंटिंग्स को लिखोगे। तो गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मैं उसके ऊपर जल्द ही वीडियो बना लेकर आऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स की पेंटिंग्स को हम कैसे पहचानेंगे, और फिर मैं बताऊँगी आपको इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स। इनमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, जर्नीज एंड को बहुत अच्छे से याद कर लेना, और आप इसमें मेघदूत को और एक टिलर ऑफ वो शिव एंड सती को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये तीन पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। एम ए आर चुगते की मैंने फुल फॉर्म बता रखी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगते, तो ये आप तैयारी कर लेना। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।